बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, मेरा नाम ज़हीरुद्दीन बाबर, आप सबका अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूं। तो जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ घंटे के बटन को जरूर प्रेस कर दें ताकि मलेशिया की बहुत सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। और जिन दोस्तों ने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो वो मेरी इंस्टाग्राम की आईडी आ रही है, उसे फॉलो कर लें। और कोई क्वेश्चन करना तो वो क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। और यहाँ एक और बात कर दूँ, बहुत सारे दोस्त बोलते हैं कि सर आप इंस्टाग्राम की आईडी शो करते हैं, आप आया इंस्टाग्राम की आईडी देते हैं लेकिन आप रिप्लाई नहीं देते। तो मैं रिप्लाई देता हूं, बहुत सारे दोस्तों को मैं इंस्टाग्राम पे रिप्लाई देता हूं, लेकिन मैं माजरे चाहता हूं दिल से, क्योंकि बहुत सारे आप जैसे भाई होते हैं मैसेज कर रहे होते हैं और इतने मैसेज होते हैं कि मैं सबको रिप्लाई नहीं कर सकता हूं। तो मैंने फिर सोचा है कि इंशाल्लाह जो दोस्त मुझे इंस्टाग्राम पे या जैसे वीडियो पे मुझे मैसेज करते हैं तो मैंने सोचा है कि चलो या तो फिर इंस्टाग्राम पे लाइव कॉल किया करूं, आप लोगों के जो क्वेश्चन होते हैं वो मैं वहां आपका रिप्लाई करूं, जवाब दूं, या फिर ये आप सब मुझे कमेंट्स करें, मुझे बताएं कि अगर आप वीडियो में, मैं वीडियो में लाइव आऊंगा और जो भाई भी हैं मुझे क्वेश्चन जो भी करते हैं उनका लाइव मैं जवाब दे सकूं ता करूं। तो मैं जो भी उनके क्वेश्चन हो तो मेरी कोशिश होगी कि उनको लाइव कॉल पे ही उनको मैं जवाब दे दूं, क्योंकि बहुत सारे दोस्त शिकवा करते हैं, गिला करते हैं कि भाई आपसे बात करना चाहते हैं और इंस्टाग्राम आप व्हाट्सअप नंबर दें। तो आप भाई हैं मेरे, अगर व्हाट्सअप पर मैं रिप्लाई नहीं करता फिर भी आप माइंड करेंगे। तो अभी इंस्टाग्राम मैं ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि बहुत सारे आप जैसे भाई होते हैं जो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर रहे होते हैं और मैसेज कर रहे होते हैं और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हैं और बहुत सारी मैं इन्फॉर्मेशन दोस्तों को देता हूँ जो जो क्वेश्चन होते हैं, और बीच में ऐसे दोस्त रह जाते हैं जिनके मैं क्वेश्चन का जवाब नहीं दे सकता हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि जितने मेरे भाई दोस्त हैं जो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं या मुझे वीडियो में कमेंट्स करते हैं तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अभी या तो आप लोगों के कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा और मुझे रिप्लाई करें, इंस्टाग्राम पे मैं लाइव कॉल करूं या यूट्यूब पे, जैसा आप बोलेंगे इंशाल्लाह मैं आपकी बात मानूंगा, ठीक है ना। और बहुत सारे आज मैं, अच्छा एक और मैं आप दोस्तों से बात शेयर कर दूं, जैसे कि बहुत सारे दोस्त इंस्टाग्राम पे मतलब क्वेश्चन कर रहे होते हैं या मेरे वीडियो के नीचे कमेंट्स कर रहे होते हैं, मैं रिप्लाई नहीं कर सकता हूं। तो फिर मैंने सोचा कि आज के बाद मैं हफ्ते में या दो हफ्ते में एक या दो वीडियो बनाया करूँगा जो आपके क्वेश्चन होते हैं उनका रिप्लाई किया करूँगा। तो मैं बहुत सारे अपने दोस्तों से बोलता हूं कि जो भाई भी हैं अगर क्वेश्चन करना चाहते हैं या इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे तो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं, ठीक है ना। लोग नाराज़ नहीं होंगे, माइंड नहीं करेंगे, इंशाल्लाह इस बार नहीं तो अगली वीडियो में आप लोगों का नाम ज़रूर आएगा। और कुछ लोगों की जो लोग वीडियो में कमेंट्स करते हैं सिर्फ आईडी, कुछ लोगों की आईडी नाम शोर होता है, कुछ लोगों के नंबर शोर होते हैं, और जहाँ जिन लोगों के नंबर शोर होते हैं वो अपना नाम लाजमी लिख दिया करें ताकि मैं अपनी वीडियो में उन दोस्तों का नाम ज़रूर ले लिया करूं। तो आज मैं अभी शुरू करने लगा हूं। सबसे पहले जो भाई जिन्होंने मुझे कमेंट्स किया था, ठीक है ना, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं जो इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं वो भी मैं शामिल किया करूँगा। इस पहली बार मैं अभी ये शुरू किया है ये प्रोग्राम, तो इस बार मैं कोशिश करूँगा जो लोग कमेंट्स जिनको मैं रिप्लाई नहीं कर सका, और बहुत सारे एक क्वेश्चन में बहुत सारे लोगों के आंसर होते हैं, ठीक है ना। तो अच्छा पहले भाई हैं जिनका मैं नाम लेने लगा हूँ, अरसलान खान है नाम उनका, और वो भाई कह रहे हैं प्लाटिशन का वीज़ा हो कुछ और हम उस पर काम कर सकते हैं कि नहीं। भाई अलाउ नहीं है, अगर प्लाटिशन का वीज़ा है तो आप प्लाटिशन के जो होते हैं वो काम कर सकते हैं, उसके अलावा दूसरा आप काम नहीं कर सकते, लेकिन कुछ लोग काम कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर आप प्लांटेशन के वीज़े पर आ रहे हैं, अगर आपको कुछ लोग बोलते हैं कि हमें काम पसंद नहीं आता तो भाई हम दूसरा काम कर सकते हैं, वैसे अलाउ नहीं होता, लेकिन आप कोशिश करें अगर आपको काम मिलता है दूसरी जगह कर लें, लेकिन फिर भी सेव रहें। ये भी शेयर करने जा रहा हूँ, उनका नाम है प्रीत कौर प्रीत, और इन्होंने कहा है कि सर आउट पास ओपन हुए हैं कि नहीं। बिल्कुल ओपन है लेकिन अमल दरामद नहीं हो रहा, ठीक है ना, उस तरह मतलब अमल नहीं किया जा रहा जैसे ऐलान हुआ है। और एक मैं और बात बता दूं, आउट पास ओपन हुए हैं, ठीक है ना, लेकिन अमल उस तरह नहीं हो रहा, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि जो लोग 2022 में आए थे या उससे पहले जितने लीगल लोग थे वो आउट पास की बजाय वो यहाँ अगर उनका वीज़ा लग जाता है वो साल बाई साल रिन्यू करवाएंगे, पैसा हमारे मुल्क को फ़ायदा होगा, तो इस वजह से वो डिले करते हैं, लेट करते हैं ताकि जो लोग हैं आउट पास
वहाँ से उनका माइंड हट जाए और वो कॉलिंग वीज़ा मतलब वीज़ा अप्लाई करें फिंगरप्रिंट के थ्रू उनका वीज़ा लग जाए, तो वो सोचते हैं कि उससे भी हमारी अर्निंग होगी, हमारे मुल्क को फ़ायदा होगा। ठीक है, जला जो आउट पास पे चले जाएंगे वो तो चले जाएंगे, क्यों, एक तो टिकट होगा, जो जुर्माना होगा, जो मतलब गवर्नमेंट की फ़ीस अदा करके चले जाएंगे, उससे गवर्नमेंट को फ़ायदा नहीं। तो उनका यही कोशिश है कि जो लोग मलेशिया में इलीगल हैं आउट पास पे जाने से बेहतर है कि वो उनका वीज़ा लग जाए और हमें साल बाई साल उससे इनकम आती रहे। ज़ाहिर है वो भी सोचते हैं कि हमारे मुल्क का फ़ायदा। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जो दूसरा कमेंट्स किया भाई ने, वो आफाक खान है नाम उनका, और उनसे भाई कहते हैं कि भाई हमें कौन से वीज़े पर आना चाहिए, कंस्ट्रक्शन परमिट अच्छा है या कंपनी का परमिट अच्छा है। भाई अगर आपको कंस्ट्रक्शन का वीज़ा मिल जाता है, चाहे वो ए टू ए है या ए टू बी है, ठीक है ना, उसमें सैलरी अच्छी होती है, पैसा अच्छा होता है, ठीक है ना। अगर आप कंपनी के वीज़े पर आ रहे हैं तो कंपनियों में भी काम अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ कंपनियों में ओवर टाइम नहीं लगता और उनकी तनख्वाहें भी थोड़ी कम होती हैं कंस्ट्रक्शन की निस्बत। अगर आपको कंस्ट्रक्शन का वीज़ा मिल जाता है तो भाई मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप कंस्ट्रक्शन के वीज़े पर आएँ। अगर आपको कंस्ट्रक्शन का वीज़ा नहीं मिलता तो फिर आप कंपनी के वीज़े पर आ सकते हैं। अच्छा, एक और भाई हैं जिन्होंने कमेंट्स किया था और उनका नाम है मोहम्मद आज़ाद, ठीक है ना। वो कहते हैं ब्रो मलेशिया में विज़िट वीज़े पर आके जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। अगर आप विज़िट वीज़े पर आ रहे हैं तो आपको ये पता हो कि ई वीज़ा विज़िट वीज़ा जो होता है वो एक महीने का होता है, एक्सटेंड नहीं होता, ठीक है ना। तो जॉब तो अगर आपके कोई जानने वाले हैं आगे पीछे हैं, जैसे मलेशिया में विज़िट वीज़े पर आते हैं लोग आगे पीछे काम करते हैं चोरी छुपे, अलाउ तो नहीं होता, लोग कार्य होते हैं। तो अगर आपको जॉब मिल जाती है तो आप कर सकते हैं, वैसे अलाउ नहीं है। कोशिश करें कि आपको अगर कॉलिंग वीज़ा मिलता है तो बेस्ट है कि आप वर्क वीज़ा। अच्छा, एक और भाई हैं उन्होंने कमेंट्स किया था, उनका नाम है बिलाल हुसैन, ठीक है ना। तो वो कह रहे हैं भाई अगर बंदा विज़िट वीज़े पर आए तो वर्क वीज़ा में ईजी कन्वर्ट हो जाता है। भाई अगर आप विज़िट वीज़े पर 2022 में जो लोग आए थे उनके फिंगरप्रिंट हो रहे हैं, उनके वीज़े लग रहे हैं, और जो 2023 में आए हैं फ़िलहाल अभी उनके मतलब फिंगरप्रिंट नहीं हो रहे, वीज़ा नहीं लग रहा, ठीक है ना। और जैसे ही कोई, अच्छा एक और बात है, जो लोग बोलते हैं कि हमारे हम 2022 में आए हैं तो हमारे तो लग जाए, जो 2023 में आए हैं उनके लगें कि नहीं, यार अभी थोड़ा सब्र कर जाएँ, इंशाल्लाह गवर्नमेंट ऐलान करेगी भी उनके लिए, थोड़ा सब्र कर जाएँ। मुझे उम्मीद है कभी ऐलान होगा, जो 2023 में आए हैं उनका भी होंगे, क्योंकि एक साल पूरा पड़ा हुआ था ना, 31 दिसंबर तक फिंगरप्रिंट ओपन है, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि 2023 में जो आए हैं उनके भी लगेंगे, फ़िलहाल अभी ऐलान नहीं हुआ, थोड़ा इंतज़ार करें आप। अच्छा, एक और भाई हैं उनका नाम इकरामुल्ला भाई हैं, और वो भाई कहते हैं कि सर सर्विस सेक्टर वीज़े पर आगे कंपनी में काम कर सकते हैं या नहीं, और वो बोलते हैं कि आई एम फ्रॉम पेशावर। तो भाई मैं आपको ये बता दूं, सर्विस सेक्टर का जो वीज़ा होता है उसमें आप जैसे शॉपिंग मॉल हो गया, 7-Eleven हो गया, केके हो गया, माइडीन हो गया, टेस्को हो गया, इसके अलावा KFC हो गया, तो इसमें सर्विस सेक्टर का वीज़ा होता है, इसमें आप काम कर सकते हैं। अगर आप कंपनी के वीज़े मतलब आप किसी कंपनी में काम करेंगे तो उसको मैन्युफैक्चरिंग का वीज़ा बोलते हैं, वो आपको लगवाना पड़ेगा। तो दुनिया मैं ये नहीं कहूँगा, बहुत सारे जो मलेशिया में लोग हैं वो जो मेरी वीडियो देख रहे हैं वो बोलेंगे कि हाँ काम लोग कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, काम मिलता है, क्यों नहीं मिलता, लेकिन अगर आप पकड़े जाते हैं तो फिर आपके लिए मसले बन सकते हैं, वैसे आप काम कर सकते हैं। वैसे ये अगर देखा जाए वीज़े के लिहाज से सर्विस सेक्टर पे आप कंपनी का काम नहीं कर सकते। अच्छा, दूसरे भाई हैं जिनका नाम है शहजाद खान भाई हैं, और वो पूछ रहे हैं कि सर ज़हीर भाई ई वीज़े पर परमिट लगता है या नहीं। ई वीज़ा मैंने पिछली वीडियो में आप दोस्तों को बताया था, ई वीज़ा दो किस्म का होता है, एक ई वीज़ा विज़िट वीज़ा होता है और एक ई वीज़ा वर्क वीज़ा होता है, ठीक है ना। जब भी जो भी कॉलिंग वीज़े अभी मलेशिया से निकल रहे हैं जिन दोस्तों के, वो ई वीज़ा होता है, जिसको इलेक्ट्रॉनिक्स वीज़ा बोलते हैं, ठीक है। बहुत सारे दोस्तों को पता नहीं होता ई वीज़े का मतलब क्या है, ई वीज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स वीज़ा, तो दो कैटेगरी में है, ई वीज़ा विज़िट वीज़ा और वर्क वीज़ा, ठीक है ना। और जो विज़िट वीज़ा पे ई विज़िट वीज़ा पे आ रहे हैं उनका तो परमिट नहीं लगता, ठीक है ना। जो कंपनी या जो कंस्ट्रक्शन जैसे वीज़े हैं उन पे अगर वो आ रहे हैं तो उनका वीज़ा लगता है, बिल्कुल। अच्छा, एक और भाई हैं नदीम अब्बास भाई हैं, और ये भाई बोल रहे हैं कि ब्रो किसी अच्छे एजेंट का रबता नंबर दें। भाई मैं आपको किसी एजेंसी या किसी एजेंट का नंबर दे देता हूँ, अल्लाह ना करे कल आपके साथ कुछ मसला हो जाता है, वो किसी भी हम टेस्ट नहीं कर सकते, और मैं किसी एजेंट का आपको नंबर नहीं दे सकता हूँ, कल अल्लाह ना करे आपके साथ कोई फ्रॉड हो जाता है, क्योंकि मैं खुद मलेशिया में बैठा हूँ। हाँ, यहाँ से किसी कंपनी के अच्छे वीज़े अगर निकलते हैं किसी कंपनी के, कौन से एजेंट के पास जा रहे हैं वो मैं आप दोस्तों से शेयर ज़रूर कर सकता हूँ। वैसे इस तरह मैं आप किसी एजेंट का नंबर आपको नहीं दे सकता हूँ, ना मैं किसी एजेंट को इस तरह अच्छी तरह जानता हूँ, क्योंकि अल्लाह ना करे कल आपके साथ कोई फ्रॉड हो जाता है तो आप बोलेंगे ज़हीर भाई की वजह से हमने उस एजेंट से रब्ता किया और हमारे साथ फ्रॉड हुआ। तो आप मेरे भाई हैं, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि कोई आप किसी ऐसे फ्रॉड
फ्रॉडी एजेंट के हाथ लग जाए। तो आप आगे पीछे लाजमी देखें जो अच्छा एजेंट है, जिसके पहले ये सर्च कर लें कि कौन सा अच्छा एजेंट है जिसने मलेशिया बंदे भेजे हैं। लेकिन आजकल सबसे ज़्यादा एजेंट जो हैं वो विजिट वीज़ा पे लोगों को भेज रहे हैं, ना कि वर्क वीज़ा पे, क्योंकि वर्क वीज़ा पे एजेंटों को मुनाफा इतना नहीं होता। जो विजिट वीज़ा है उन पे उनको मुनाफा होता है, क्योंकि 4-4.5 लाख का भी विजिट वीज़ा दे रहे हैं, ठीक है। और वर्क वीज़ा जो है 6-7 या 8 लाख का, ठीक है, लेकिन विजिट वीज़ा में वो डबल पैसा कमा रहे हैं। इसलिए वो वर्क वीज़ा, अगर किसी एजेंट के पास आप जाएंगे भी तो वो आपको बोलेगा कि हम आपको विजिट वीज़ा पे भेज देते हैं, वहाँ मलेशिया में जाके आपका फिंगरप्रिंट करवा के आपका वीज़ा लगवा देंगे और हम आपको काम भी लगवा देंगे। तो दोस्तों मैं आपसे ये क्लियर कर दूं, अगर आप किसी एजेंट के थ्रू ऐसे आ रहे हैं विजिट वीज़े पे, वो आपको बोल रहे हैं मैं काम भी लगवाऊंगा और आपका वीज़ा भी लगवाऊंगा, तो यार बहुत लोग आए हैं, बहुत सारे दोस्तों की वीडियो बनाई है जो आप दोस्तों ने देखी है, बहुत सारा फ्रॉड आता है एजेंटों की वजह से, ठीक है ना। तो आप ऐसा रिस्क मत लिया करें, ठीक है ना। तो बेहतर आप कॉलिंग वीज़े पे आएँ, वो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि उस पर आप सेव हैं। विजिट वीज़े पे आने वाला जो और टाइम है उस पर कोई पता नहीं कैसे हालात और होने वाले। और अपनी वीडियो में मैं आखिरी कमेंट्स शामिल करने जा रहा हूँ, और बहुत सारे दोस्त माइंड करेंगे हमारा नाम नहीं लिया, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप दोस्तों का भी जो क्वेश्चन होगा इंशाल्लाह आपका भी नाम आएगा, ठीक है ना। तो लास्ट पे जो भाई हैं उनका मैं आपको बता देता हूँ, उनका नाम है मोहम्मद सुफियान, ठीक है ना। वो बोलते हैं कि भाई एक वीडियो ऑस्ट्रेलिया वीज़े पर भी बनाओ। यहाँ से बहुत सारे दोस्त बोलते हैं कि सर अगर हम मलेशिया आ जाते हैं तो यहाँ से डंकी लगा के हम ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं कि नहीं। दोस्तों जिस टाइम मैं आया था 2012 में, उस टाइम बहुत सारे लोग यहाँ से डंकी लगा के ऑस्ट्रेलिया गए थे, कुछ लोग पकड़े गए थे और कुछ लोग ऑस्ट्रेलिया पहुँच गए थे, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको कोई एजेंट बोल रहा है कि हम आपको मलेशिया से ऑस्ट्रेलिया डंकी लगा के भेजेंगे, तो फ़िलहाल आप भी ऐसा कोई सीन है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने अपने बॉर्डर जो हैं बहुत बहुत सख्त किए हुए हैं और आप कभी भी नहीं जा सकते। क्योंकि पहले ऐसा होता था जब 2012 में मैं आया था, उस टाइम यहाँ से लोग इंडोनेशिया जाते थे, इंडोनेशिया से वो डंकी लगाते थे ऑस्ट्रेलिया की। उस टाइम लोग गए हैं, बिल्कुल गए हैं, कुछ लोग पकड़े जाते थे, कुछ लोग चढ़ जाते थे। लेकिन अभी फ़िलहाल अगर आप बोलें यहाँ से ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया से जाना है तो बहुत मुश्किल है, कोई चांस नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, फिर मैं लास्ट पे बोलूंगा, आप दोस्त बहुत सारे दोस्त नाराज़ होंगे, कमेंट्स करेंगे हमारा नाम नहीं लिया, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों का भी नाम होगा। मुझे कमेंट्स करके लाजमी बताएं कि इंस्टाग्राम पे लाइव वीडियो पे आपके क्वेश्चन का मतलब आंसर दिया जाए, या फिर मैं यूट्यूब पर लाइव वीडियो पर आपके क्वेश्चन का आंसर दूँ। तो उम्मीद करूँगा ये छोटी सी वीडियो आप दोस्तों को पसंद आएगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, और साथ घंटी के बटन को ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि मलेशिया की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन की वीडियो आप दोस्तों तक पहुंचती रहे। ते एक नई वीडियो नए व्लॉग में, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।